हेलो भाइयों, आज आ चुके हैं साजन कार डेकोरेटर के पास। आज देख रहे हैं, देख सकते हैं ब्लैक कलर की हाईराइडर जो कि इंडिया में पहली बार आई है। ये आपको ब्लैक कलर बहुत कम देखने को मिलेगा। और कस्टमर है जो कि हमारे पास आए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें काम हो रहा है, और वो साजन कार डेकोरेशन वाले बताएंगे कि भाई इसमें क्या क्या काम हो रहा है। वो चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं साजन कार डेकोरेशन की ये कुछ शॉप है। अगर आप यहाँ पे आते नए तो यहाँ पे आप देख सकते कुछ इस तरीके शॉप बना हुआ है। यहाँ बड़ी सी बोर्ड लगे रहेगी, उसमें साजन का डेकोरेशन लिखा रहेगा, लेकिन इसमें क्या क्या काम हो रहा है वो चलकर देख लेते हैं। तो वो जानेंगे हम इसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है सोई भाई से। अगर आप साजन कार डेकोरेशन के पास आते हैं तो सोई भाई आपको जरूर मिलेंगे कि गाड़ी में क्या क्या आप लगवा सकते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि गाड़ी में आप क्या लगवा लो ऐसा चीज आपकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखे। तो सोई भाई आप बताओ कि इस गाड़ी को कौन सा मॉडल है ये, मुझे तो देखने में पता। कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद आए हमारे पास। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और ये हमारे पास आपको पता है हाईराइडर आई हुई है, और ये प्रॉपर बेस मॉडल। अच्छा, इसके अंदर कुछ भी नहीं आता। अच्छा, सिस्टम म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, लेकिन इन कंपनी में कुछ चीजें अच्छी देती है। वो जिसमें पुश बटन स्टार्ट दे दिया आपको, इसका आपको बेस मॉडल से पुश बटन मिल जाएगा। अच्छा, एसी आपको कंट्रोल वाला मिल जाएगा कम्प्लीटली, और पूरा इंटीरियर में आपको सिल्वर टच मिल जाएगा। अच्छा, ये पहले से आया है? हाँ, ये कंपनी फिट है। उसके बाद जो काम बचता है वो हमारा बचता है। अब हम लोगों ने इसके अंदर मैक्स फिट का 10.38 स्क्रीन साइज के साथ प्रॉपर OEM स्टाइल में एंड्रॉइड सिस्टम फिट करा है। ये देखो आप, और इसके आप क्लियरिटी चेक कर सकते हो, HD क्लियरिटी के साथ है ये पूरा। और भी DSP मॉडल है ये, अभी तक लोगों के पास विदाउट DSP में पड़ा हुआ है ये, बट हमारे पास आपको DSP में मिल जाएगा ये कम्प्लीट। आप क्लियरिटी चेक कर सकते हो, कोई से भी एंगल से आप देखो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। ये तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब हम इसको लगवा लेते हैं सिर्फ टच स्क्रीन डिस्प्ले की प्राइस बताओ कि कितने का ये लग गया भाई? ये फिर टोटली बात करेंगे। हम लोगों ने ये लगा दिया है 13,000 रुपए में। अच्छा, मात्र 13,000। इतनी बड़ी स्क्रीन मात्र 13,000 रुपए में, और प्लस इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। अच्छा सर, आजकल एप्पल कारप्ले तो उसमें भी नहीं आता, स्कॉर्पियो एन वगैरह में सारा सामान मिल जाएगा, और नेटफ्लिक्स वगैरह आप इसके अंदर सब चला सकते हो। अच्छा, बिल्कुल आराम से, किसी तरीके का कोई हैंग नहीं होगा ना? और इसकी वारंटी क्या रहेगी? सबसे बड़ी बात, गाड़ी के साथ क्योंकि गाड़ी की और वायर कोई वॉइड नहीं होगी, सारी वारंटी कंटिन्यू रहेगी, कोई सारा प्लग एंड प्ले काम होता है यहाँ पे, कोई गाड़ी की वायरिंग वगैरह कुछ नहीं करता। अच्छा अच्छा, यानी दोस्तों आप समझ रहे हो कि इस गाड़ी में अगर आप टच स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह कुछ भी लगवा लो किसी तरीके की आपकी वायर कटिंग नहीं होगी। ये अपनी वायर से ही जो करना होगा ये अपने वायर से ही करेंगे, आपके गाड़ी की वारंटी को खत्म नहीं करेंगे वायर कटिंग करके। उसके आगे आप बता दो, गाड़ी खड़ी हुई देखो, सोनी आप भी देख सकते हो, सोनी में भी हम सिस्टम लगा रहे हैं सारा, हमने बेस से टॉप इसको बना रहे हैं LED वगैरह के साथ। अंदर मेरे पास कई गाड़ियां खड़ी हुई है, उसमें भी काम हो रहा है। सामने वेन्यू खड़ी हुई है, कवर डल रहे हैं, मतलब बहुत सारी गाड़ियां आके यहाँ पे, मतलब ट्रस्टेड है साजन कार डेकोरेशन। 1992 से आप देख सकते हो, बोर्ड पे भी आपको मेंशन मिलेगा, ये 1992 से हमारी शॉप है। उसके बाद हम लोगों ने जो इसके अंदर बढ़िया काम करा है वो मैंने इसमें डैम्पिंग करी है प्रॉपर। अच्छा, चारों दरवाजे के अंदर एक बार मैं उतर के आपको दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ से देख सकते हो, देखो ये प्रॉपर हमने डैम्पिंग करी हुई, इससे क्या होता है साउंड की ना वाइब्रेशन सारी खत्म हो जाती है। अच्छा, नॉइस गाड़ी हो जाएगी आपकी। अच्छा, और ये लोग हम लोगों ने मॉरल की करी है, मॉरल से बढ़िया कोई डैम्पिंग नहीं आती, लाइफ टाइम इसकी मेल्टिंग की वारंटी। इसकी क्या प्राइस होगी भैया? यार ये 1,000 रुपीज के अप्रोक्स पर सीट पड़ती है। अच्छा अच्छा, इसमें और भी क्वालिटी आती है, लोग 500 की भी लगाते हैं, 600 वाली भी आती है, 700 की भी, बट ये वाली जो है 1,000 रुपए की एक सीट पड़ती है, ये ओरिजिनल सीट है। अच्छा, इंडस्ट्री होती है। अच्छा अच्छा, और उसके बाद हम लोगों ने जो इसके अंदर लगाए ये रेफरेंस के इन्फिनिटी हरमन के कंपोनेंट्स फिट करे हैं, दोनों आगे दो पीछे, जिसका साउंड मैं आपको एक बार फिट होने के बाद सुनाता हूँ। हाँ, अभी तो खैर बिफोर की वीडियो देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से। एक बार प्राइस दोबारा बता देना कितना खर्चा है इस गाड़ी के अंदर, है ना? देखो 13,000 रुपए का मोटा मोटा सिस्टम पकड़ लो आप, ठीक है। 6,000 के हमने रेफरेंस के कंपोनेंट लगाए इसके अंदर। अच्छा। और ये 1,000 रुपीज पर 1,000 रुपीज की सीट है, जो अप्रोक्स 10 सीट लगी तो 10,000 रुपए के आसपास की डैम्पिंग सीट हो गई आपकी। अच्छा अच्छा, तो ओवरऑल जो बेसिक का खर्चा पड़ता है वो इतना पड़ेगा, इससे आपकी बेसिक गाड़ी टॉप हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इसमें भी सीट कवर इंस्टॉल करने वाले हैं। अच्छा, सीट कवर लगाएंगे, फुल बकेट एम्बिएंट लाइट इसके अंदर चारों दरवाजों में, वो लुक मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो मतलब आप 12,00,000 रुपए में अगर 10 को टॉप मॉडल बना देते हो यहाँ पे, अगर गाड़ी लेके आए तो सारी गाड़ी आप देख सकते हो। अब ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है ना, मेरे ख्याल से तो अभी शोरूम से निकल के आ रही है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, और ब्लैक कलर में। और सोचो सबसे पहले आपके पास ही आई है, हमारे पास आई है, उसके बाद भैया को हमने PPF भी सजेस्ट किया है। अच्छा अच्छा, भैया मानते तो इसे PPF भी करा देंगे। अच्छा, आपके पास PPF भी हो जाता है? हाँ, PPF सेरेमिक सारे अपने पास सारी चीजें हो जाती है। PPF भी हम लोग टिंट एंड ऑरेंज की करते हैं, गरवारे की करते हैं, लुमार की करते हैं, सारे ब्रांड के ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। तो गाइस देख रहे करो, आपकी गाड़ी को हर एक तरीके से डेकोर किया जाएगा, हर एक तरीके से सजाया जाएगा। गाड़ी में क्या क्या चीज की कमी रहेगी वो सोई भाई बताएंगे कि आपकी गाड़ी में क्या अच्छा रहेगा, क्या लगवा लो जिससे आपकी गाड़ी और चमकेगी, तो वो आपको सजेशन सोई भाई जरूर देंगे। और आपको सोई भाई का नंबर मेरे स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सोई भाई को कॉल कर सकते हैं, या फिर आप दुकान पे यानी कि शॉप पे भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं सोई भाई के साथ। अब और बता दो सोई भाई इस गाड़ी के बारे में।
इस गाड़ी के अंदर सबसे बेस्ट चीज है, हाइब्रिड कार है, स्मार्ट कार है। खैर बेस मॉडल में तो ये फंक्शन नहीं है, बट उसके अलावा आप ऊपर देते हो तो इसमें दोनों चीजों का ऑप्शन, आप इलेक्ट्रिक भी गाड़ी चला सकते हो, पेट्रोल पे भी चला सकते हो। इलेक्ट्रिक में अगर आपकी गाड़ी 20 से 30 की स्पीड में चल रही है, इसे बैटरी पे चलेगी, कोई पेट्रोल नहीं लेगी। अगर आप रेस पे पैर रखते हो और स्पीड बढ़ाते हो तब ये इसकी पेट्रोल की यूसेज बढ़ेगी, अदरवाइज सिर्फ बैटरी पे कंट्रोल चलती है। अच्छा अच्छा, तो ये बेनिफिट है जो अब हाइब्रिड कार आ रही है सारी। अच्छा, गाड़ी तो वैसे बहुत बढ़िया है, इसके अंदर देख रहे हो पीछे भी एसी वेंट देखने को मिल जाता है, बेस मॉडल है तो बहुत ही बढ़िया है गाड़ी। फाइनली टोयोटा हाइराइडर के अंदर काम हो चुका है, चलिए देख लेते हैं इसके अंदर अब क्या कैसा रहा सिस्टम लगा जो है। अब बता दो सोहेब भाई कि कैसा इसमें लगवा दिया आपने, जो क्या क्या लगाया इसमें, कितना खर्चा आया ये बता दो। खर्चा छोड़ो तो मैं इसकी पहले आवाज सुनो, भैया आप ट्रांसफर लगा के दिखाओ एक बार। तो भैया बेस ये देख सकते हो कैसी आवाज है, देखते हैं गाड़ी में क्या क्या लगा। अब बिफोर की वीडियो आपने देख लिया, भैया ये बता दो अब क्या क्या लग गया इसमें। ये हमने बताया ना, कुछ सिस्टम लगा दिए, कंपोनेंट्स लगा दिए। सिस्टम इसका जो अप्रोक्स पड़ता है 13,000 रुपए से स्टार्ट है। अच्छा, हमने जो इसके अंदर सिस्टम लगाया वो डीएसपी वाला लगाया है, वो पड़ता है आपको 14,500 का। अच्छा, उसके बाद हमने कंपोनेंट्स लगाए इसमें रेफरेंस सीरीज के, वो पड़ते हैं आपको 6,500 रुपए के। अच्छा, और 5,000 रुपए का इसका कोएक्सल आता है सेम ब्रांड का रेफरेंस का, वो हमने लगाया है। अच्छा, डैम्पिंग करी मोरेल की, वो पड़ती है 1,000 रुपए। मोटा मोटी कितना खर्चा आ गया इसमें? 35,000 रुपए के आसपास आप टॉप मॉडल हाइराइडर को बना सकते हो कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो। जैसे हाइराइडर के ओनर से मिलेंगे तो सबसे पहले क्या हालचाल है भैया आपका? बस भाई बहुत बढ़िया, बस थोड़ी थकान हो गई है। वो तो गाड़ियों के काम में हो जाती है भैया, लेकिन ये टोयोटा हाइराइडर लेने का मन कैसे बना? ये एक सेडान चला रहा हूँ 10 साल से करीब। अच्छा अच्छा, इस बार थोड़ी सी डिफरेंट गाड़ी चाहिए थी। तो एसयूवी का बहुत ट्रेंड हो गया है, एसयूवी का, तो ये बजट में आ रही थी। एंड यहाँ पर जब लेकर आए हो आप एक्सेसरीज पार्ट के लिए, आप अपनी गाड़ी को इससे इतना प्यार करते हो, आप प्यार करके ही खरीदे हो इस गाड़ी को, लेकिन जब साजन कार डेकोरेटर के पास लेकर आए तो कुछ सोच कर ही लेकर आए होगे ना कि भाई कैसे, कहाँ कहाँ गए थे आप इस गाड़ी को लेकर? देखो मैं यहीं पे 2-3 जो भी शॉप्स हैं आसपास की भी देखी थी, और करोल बाग भी गया था एक्चुअली। अच्छा अच्छा, दिल्ली का ट्रेंड है थोड़ा यार, समझ नहीं आता है वहाँ पे, क्योंकि अच्छा। वो जो उनके पास सामान है वही बेचना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, वो कभी ढंग से रिकमेंड नहीं करेंगे, मैंने उनसे पूछा था तो वो वही बता रहे हैं जो उनको बेचना है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए वहाँ से मैं फेडअप होके मैंने कहा चलो यहीं पे आते हैं, इनके पास थोड़ी वैरायटी थी। अच्छा अच्छा, जो सिस्टम मुझे दिखा इन्होंने जो लगाया तो उसकी फिट एंड फिनिश की वजह से मैंने और कोई देखा नहीं था। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रही है, लेकिन टोयोटा हाइराइडर को जब आपने मॉडिफिकेशन करवाया, नई नवेली को बिल्कुल तैयार करवाया, तो आपको कैसा फर्क दिखा इसमें कि भाई क्या लगाया इनने, सही तरीके से लगाया, क्या क्या किया इन्होंने? इसमें स्क्रीन एंड कंपोनेंट लगे हैं आगे, पीछे अच्छा, स्पीकर्स लगे हैं। अच्छा, और कैमरा लगवाया है। अच्छा, एंड इसमें बाकी थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक सामान भी लगाऊंगा। अच्छा अच्छा, गियर नो। तो काम करवा के आपका साजन कार डेकोरेटर के पास कैसा लगा? काम बढ़िया है बिल्कुल, मैं तो संडे को आता हूँ, संडे को बहुत भीड़ थी। अच्छा, किसी और दिन आएंगे। अच्छा, टाइम लेके काफी थोड़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। इसमें के सीरीज का पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, क्योंकि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको साजन कार डेकोरेटर का नंबर मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना।